हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2022 के महीने में लॉन्च होने वाले कुछ 10-12 नए स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन जून 2022। वैसे अगर देखा जाए तो मई का महीना ठीक ठाक महीना रहा भाई, अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं हुए हैं। और जून का जो महीना है वो भी ऐसा ही रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा लॉन्चेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्चेस आपको इस महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या क्या लॉन्च होने वाला है, किस चीज का आपको वेट करना चाहिए, सारी चीज डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंफर्म लॉन्चेस के बारे में। कुछ तो नहीं, केवल एक ही कंफर्म लॉन्च है, जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से। मोटो की तरफ से मोटो E32S 2 जून 2022 को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है मीडियाटेक हीलियो G37 प्रोसेसर के साथ में आएगा। HD+ का डिस्प्ले यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ में यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी एंड 16 मेगापिक्सल का रेयर एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है 10,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा। नाउ लेट्स सी कि मोटोरोला इसको किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। लेकिन पहला जो स्मार्टफोन है मोटोरोला E32S, जो कि 2 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A13 भी आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है इस महीने में। ये वाला जो स्मार्टफोन है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, अनाउंस कर दिया गया है। एंड ये जो स्मार्टफोन है एक्सिनस 850 के साथ में लॉन्च किया जाएगा। 6.6 इंचेस का IPS LCD का पैनल मिलेगा, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। 5000mAh की बैटरी रहेगी, 15W की चार्जिंग रहेगी एंड 50MP का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। एंड ये वाला जो स्मार्टफोन है ये भी आपको कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास ही इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। सो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M13 इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो रियलमी की तरफ से रियलमी GT Neo 3T, यस ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडोनेशिया में तो 7 तारीख को लॉन्च हो रहा है एंड इंडिया में भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नया स्मार्टफोन नहीं है, जैसा Realme GT Neo 2 है वैसा का वैसा स्मार्टफोन है। केवल चार्जिंग यहां पर आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है। यहां पर भी आपको 6.62 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी, लेकिन यहां पर आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। केवल यही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड ये जो स्मार्टफोन है नियर अबाउट 30,000 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है कैसा है कमेंट करके जरूर से बताना, क्या आप ये स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 2T, यस ये वाला जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली इस महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, 6.43 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले के साथ में लॉन्च हुआ है, जहां पर 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट यहां पर आपको दिया गया है, जो कि बढ़िया चिपसेट है, परफॉर्मेंस अच्छी देगा। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है OIS के सपोर्ट के साथ में, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी है एंड 80W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलता है। सो OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 2T इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, जो कि लगभग 30,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो आपको पोको की तरफ से इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो स्मार्टफोन रहेगा एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन रहेगा। फोन का नाम है पोको F4 GT। ये जो स्मार्टफोन है डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स के साथ में आएगा। यहां पर आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, AMOLED का डिस्प्ले रहेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, साथ ही साथ Snapdragon 8 जनरेशन 1 चिपसेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो कैमरास है वो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेंगे, ठीक ठाक कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 120W की चार्जिंग भी यहां पर आपको मिलने वाली है। और ये जो स्मार्टफोन है लगभग 45,000 के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आप ये स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर से बता देना। पोको की तरफ से पोको F4 GT आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 8 सीरीज भी इसी महीने में आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है। ओप्पो रेनो 8 प्रो एंड ओप्पो रेनो 8, ये जो दो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। ओप्पो रेनो 8 प्रो की अगर बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 चिपसेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है। उसी के साथ में 6.62 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा, AMOLED का पैनल है, 80W की चार्जिंग यहां पर आपको
देखने के लिए मिलेगी। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आता है। एंड इसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको ओप्पो रेनो 8 भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट वन प्लस नॉर्ड 2T जैसा ही होने वाला है। डायमेंसिटी 1300 का चिपसेट आपको मिलता है, 6.43 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है, 4500 एमएएच की बैटरी मिलती है। नाउ लेट्स सी ओप्पो रेनो 8 इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो Xiaomi की तरफ से भी Xiaomi 12 सीरीज का नया स्मार्टफोन Xiaomi 12X इंडिया में लॉन्च हो सकता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा, क्योंकि 6.28 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में आता है। काफी कॉम्पैक्ट सा फोन है, सिंगल हैंड यूसेज के लिए बहुत सही है, काफी छोटा सा फोन है, मस्त लगेगा। 6.28 इंचेस का एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन भी यहां पर आपको मिलेगा। उसी के साथ में स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट मिलेगा, 67 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। ओवरऑल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहने वाला है। इंडिया स्मार्टफोन भी आपको जून के महीने में इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो वीवो की तरफ से भी एक नया स्मार्टफोन टी सीरीज का वीवो T2, ये भी जो स्मार्टफोन है ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहां पर आपको 6.62 इंचेस का एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड कैमरास की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा, 5000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिल सकती है। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगी 80 वॉट की चार्जिंग, मतलब ये भी जो स्मार्टफोन है काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा। नाउ लेट्स सी कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो मोटोरोला की तरफ से मोटो जी 82 भी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, एक्चुअली पीओलेड डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ओआईएस कैमरा यहां पर आपको मिलता है, 5000 एमएएच की बैटरी, 30 वॉट की चार्जिंग। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, 20000 के आसपास इंडिया में आएगा। नाउ लेट्स सी कब लॉन्च होता है एंड किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो मोटोरोला की तरफ से ही मोटो G52J भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये भी जो स्मार्टफोन रहेगा ये भी स्नैपड्रैगन 695 के साथ में लॉन्च किया जाएगा एंड IPS LCD पैनल के साथ में लॉन्च होगा। बाकी वही 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा, 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी, 30 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन रहेगा, 15000 के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो OnePlus की तरफ से OnePlus 10R Lite ये जो स्मार्टफोन है ये भी आपको जून के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है IPS LCD पैनल के साथ में आएगा, LTPS LCD पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, डायमेंसिटी 8100 मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 5000 एमएएच की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग आपको मिलेगी। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये भी आपको इसी महीने इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। एंड लास्ट में बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले सी सीरीज के स्मार्टफोन की, रियलमी C30 इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। एंट्री लेवल का स्मार्टफोन रहेगा, HD+ का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में, उसी के साथ में UniSoC का एक प्रोसेसर आपको मिलेगा, शायद टाइगर T606 मिल सकता है, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 5000 एमएएच की बैटरी, 10 वॉट की चार्जिंग, नॉर्मल स्मार्टफोन रहने वाला है, 7,500 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे कुछ 13 स्मार्टफोन्स जो आपको जून 2022 के महीने में इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन से फोन के लिए आप एक्साइटेड हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।